पिछले दिनों नीरज हत्याकांड में धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह के नाम पर एक छोटू सिंह नाम का व्यक्ति ने जिले के जाने माने शल्य चिकित्सक डॉक्टर समीर कुमार के साथ अभद्रता करते हुए उसने रंगदारी की मांग की थी। और उसके बाद यह खबरें आई मीडिया में कि इन्होंने शहर छोड़ दिया है। उसके बाद काफ़ी हंगामा बरपा, व्यवसायियों ने कार्य बहिष्कार किया, सड़क पर उतर आए, चिकित्सकों ने हंगामे करने शुरू कर दिए और IMA ने इसे ज़बरदस्त एक्शन के रूप में लिया और IMA का एक बड़ा आंदोलन भी धनबाद में देखने को मिला। और बहरहाल जब उसके चार गुर्गे जेल में चले गए हैं तो एक बार फिर से धनबाद डॉक्टर साहब की वापसी हो गई है। सीधे डॉक्टर साहब से मुखातिब होते हैं और सीधे बात करते हैं। सर बताइए, धनबाद से बाहर जाना कितना कष्टकर था, वापस पुनः आकर कैसा फील कर रहे हैं? घर है मेरा, घर आने के बाद सबको अच्छा लगता है। एक चीज़ सर, पिछले दिनों जब उनके गुर्गों की गिरफ्तारी हुई तो SSP ने आपसे बात की थी, हम लोग के सामने बात की थी, तो उनके बात के बाद कितना विश्वास वापस आया? नहीं, उन पर मेरे को हमेशा से भरोसा था। मैं जानता था कि वो बहुत काबिल अफसर हैं और मेरी मदद करेंगे और उन्होंने किया भी। आपसे जब अमन सिंह ने स्वयं बात किया था तब आपने उसे चुनौती दी थी उस वक्त? नहीं, ये सब गलत बातें हैं। यानी उसने आपसे बात नहीं की? नहीं, उससे मेरे बात की थी, लेकिन मेरी औकात है कि मैं उस तरह के लोगों को चुनौती दे सकूं। अच्छा, एक चीज़ और सर, जिस तरह से माहौल धनबाद में बन रहा था, चिकित्सक सिर्फ आपके पास नहीं बल्कि ज़िले के कई चिकित्सक, कई बड़े व्यवसायियों के पास फोन आया, कुछ लोगों ने यहाँ तक कि दबी जुबान में स्वीकार किया कि कुछ लोगों ने उसके बातों को माना भी है। बहरहाल आपने उनकी बातों को नहीं माना और आपने इस चीज़ को सार्वजनिक करना मुनासिब समझा और जिसका नतीजा यह हुआ कि उसका प्रकोप जो है अब धनबाद में न के बराबर रह गया है। तो अब ये बताइए कि लोगों को, खास करके अभी भी अगर किसी के पास उस तरह के फ़ोन आते हैं तो उन्हें क्या सलाह देंगे? मुझे तो नहीं लगता कि अब किसी को फ़ोन आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो उनको सामने आना चाहिए। और ये और सब चीज़ों की जानकारी मुझे नहीं है कि किसने पैसा दिया, किसने नहीं दिया, किसको फ़ोन आया, इन सब चीज़ों की जानकारी मुझे नहीं है। धनबाद से जब आप वापस गए थे, कुछ दिन के लिए ही गए हो, चाहे वो जो भी रीज़न रहा हो, कितना कष्टदायक था वो क्षण? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर में उसको क्या कहते हैं, बरखी थी मेरे ससुर जी की और सास दोनों जिनकी, पिछले साल कोरोना में उनका देहावसान हुआ था। और उसी बरखी में 4 तारीख को मैं गया तो वहाँ पे उनकी बरखी थी ससुर जी की, 16 तारीख को मेरे सास की बरखी थी। हाँ, मैंने अपना रहना थोड़ा ज़्यादा दिन लंबा कर दिया था यहाँ के माहौल को देखते हुए। ऐसा कोई मैं को लग रहा था कि मुझे छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी मजबूरी हो जाएगी। IMA का रुख आपके पूरे सोच को लेकर और आपके साथ जो घटना घटी उसके बाद कैसा रहा आपके हिसाब से? IMA हमारा पेरेंट बॉडी है और वो सबकी मदद करेंगे। आज हमारी पे आफत थी, कल किसी और पे होगी अगर, या पहले भी हुई होगी अगर, वो सबके साथ रहते हैं और ठीक है। एक चीज़ कहेंगे सर, मान लीजिए कि अगर जो उनका बहुत आभारी हूँ मैं अपने धनबाद ज़िले का, जो भी व्यवसायी वर्ग है या फिर जो चिकित्सक समुदाय है, अगर उनके पास, हालांकि अभी फ़ोन आने बंद हो गए हैं, लेकिन अभी भी अलग अलग तरह के गुर्गों के द्वारा धमकियां दी जाती हैं, कभी गैंग सफासेपुर के नाम पर तो कभी अमन के गुर्गों के नाम पर, तो वैसे व्यवसायियों को और चिकित्सकों से क्या अपील करेंगे? सर सबसे अच्छा तो रहता है कि अपना कष्ट जो सक्षम अधिकारी है उनको बताएं, यही किया जा सकता है, और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, पूरे मामले में जिस तरह से मीडिया ने अपना कार्य किया उसमें कहीं किसी से कुछ शिकायत भी? नहीं नहीं नहीं, मैं मीडिया का बहुत आभारी हूँ, मैं IMA का बहुत आभारी हूँ और सबसे ज़्यादा मैं पुलिस प्रशासन का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यही लोगों की अथक प्रयास से ही मैं आ पाया हूँ। अपराधियों तक पहुंचने में हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन सभी अपराधकर्मी पकड़े जाएंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरा धनबाद जो है उसमें कहीं ऐसी बात नहीं है कि अपराधी का वर्चस्व है या
अपराधी हमेशा भाग के रह रहे हैं, लगातार हमारी पुलिस की जो दबिश है उनके ऊपर रह रही है, और हम लोग किसी कोई भी अपराधकर्मी अपराध करेगा तो उसे हम लोग बख्शेंगे नहीं। बस यही संदेश है, आप लोग बेझिझक जो भी यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के व्यापारी हैं, यहाँ के डॉक्टर हैं, यहाँ के अन्य जो भी कर्मी हैं, वो बेझिझक होकर के अपना काम कर सकते हैं, पुलिस लगातार आपके साथ है। और कोई अपराधकर्मी अगर कोई अपराध करने का हिमाकत करता है तो उसको कानून के तहत हम लोग सख्त सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। आज जो भी फिर से धनबाद उनकी पुनर्वापसी हुई है और क्लिनिक में बैठकर मरीजों की सेवा अगर वो करना शुरू कर दिए हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो यहाँ के धनबाद पुलिस है और IMA का जो विंग है, साथ ही उन्होंने मीडिया को भी धन्यवाद दिया है। लेकिन तमाम बातों से एक बातें तो स्पष्ट होती है कि अगर डॉक्टर समीर ने उस वक्त बेहतर, मैं विधायक साहब का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने भी बहुत मेरे लिए किया है, सब लोगों ने किया है, पब्लिक ने किया है, बिल्कुल जनता ने तो बिल्कुल आपका साथ दिया, वो तो सड़क पर उतर ही गई थी जी। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने तमाम लोगों को धन्यवाद दिया है, इस बात से स्पष्ट है कि अगर समय कष्टकारक हो तो कहीं ना कहीं लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है, और वैसी शक्तियाँ जो गलत तरीके से रंगदारी के रूप में धनबाद को बदनाम करने का प्रयास कर रही हो तो उनके उनसे डरने के बजाय उनका मुकाबला करना ही मुनासिब है। क्योंकि अगर आज आपने उनके सामने सर झुका लिया, उनके बातों को मान लिया, तो कल होकर के न सिर्फ आपको बल्कि आपके साथ साथ वो पूरे धनबाद को अपने छत्र छाया में लेकर, छत्र छाया नहीं कहेंगे बल्कि उसे कहेंगे कि वो अपने आक्रोश, अपने एक तरह से कहा जाए तो अपने आक्रोश में लेकर के और अपने आतंक के जाल में वो फंसा लेंगे, और उनका जो व्यवसाय है वो उसी तरह चलता रहेगा, लेकिन आपकी हानि होगी, आपके समाज की हानि होगी। तो कहीं ना कहीं आपको पुलिस पर भरोसा करना चाहिए और अपने जो कष्ट हैं, अपने जो परेशानियां हैं, वो सक्षम पदाधिकारी को ज़रूर शेयर करना चाहिए। सहयोगी मुंडा के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।